स्वामी राम सुखदास जी 60 साल के थे। राम सुखदास जी का नाम जिसने सुना है, दर्शन किया तो हाथ ऊपर करो। हम उनको बहुत स्नेह करते थे और वो हमको बहुत स्नेह करते थे, हम भी उनको बहुत करते थे। कभी कभी तो हम उनको देख के ऐसा ही हूँ यूं कर देते तो वो हंसते थे। एक बार दे खूब हंस। अपने आश्रम में भी आए थे, लेकिन वो जब 60 साल के थे तो उनके लिए लोगों ने ऐसा अफवाह किया, ऐसा गंदगी फैलाई, ऐसी कहानियां बनाई। जो भी ब्रह्मज्ञानी प्रसिद्ध होते धरती पर, तो ऐसी कहानियां, ऐसे साईं बैठे थे कुर्सी पे, फलाना आया था, मैं उधर बैठा था। अभी कल्पना करके कहानियां बना देते, वो तो साईं तो कुर्सी पे बैठेंगे, और फलाना आता है वो तो सबको पता है, फलाना भी आया था वो भी पता है, और मैं नीचे बैठा था, ये तो सीधी बात है। लेकिन वो सामने वाले को उल्लू बनाने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां बना देते, कैसा कैसा सेट कर देते कि सामने वाले का दिमाग चकरा जाए और वो सच्चा लगे उसको, बिल्कुल कपोल कल्पित बात। तो ऐसे राम सुखदास जी के लिए ऐसी गंदगी फैलाई, गंदी बातें अपन सोच भी नहीं सकते बोलना। तो आखिर उस महान संत को अन्न जल छोड़ देना पड़ा, क्योंकि अच्छे अच्छे निकट वाले भी कंजर भी टूट गए, खोपड़ी खराब हो गई, उनकी मती मारी गई। ऊपर चढ़ने में तो मेहनत होती है, फिसलने में कोई देर नहीं लगती, अच्छे अच्छे फिसल जाते थे। ऐसे ही गोशालक महावीर का भांजा ही था, महावीर के आश्रम ही रहा, और फिर 500 साधुओं को लेके महावीर के खिलाफ गंदी अफवाहें शुरू किया। कोई हमारा हाथ तोड़ दे तो उसने पाप तो किया, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं है। कोई हमारा पैर तोड़ दे तो उसने गलती की, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं। लेकिन हमारी श्रद्धा जिसने तोड़ दी, उसने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। क्योंकि ये हाथ पैर तो स्थूल शरीर का है, पांचवा अन्नमय कोश है, लेकिन श्रद्धा तो अंतर की चीज है। वो तो जन्म जन्मांतर तक की ऊंचाइयों को ले जाए और नीचाइयों को ले जाए। अगर श्रद्धा नाश हुई तो आदमी कितना नीचा गिर सकता है उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और श्रद्धा बनी रही तो आदमी कितना ऊंचा हो सकता है उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। हम नैनीताल में गए गुरुजी के इंतजार में, दिन गुजार रहे थे, तो कोई आश्रम था, वो बड़ा प्रसिद्ध महाराज था, तो हम उनका आश्रम में गए तो वो थे। तो मेरा उस समय 22 साल की उम्र, चमकता हुआ चेहरा, घिंगरुले बाल, काली दाढ़ी और एकदम भगवान के लिए तड़प, तप से टमाटम, आओ ब्रह्मचारी, वो प्रसिद्ध महात्मा कहने, हे भंडारी, महात्मा जी आए हैं, जरा बना लो, पूरी बना लो, हलवा बना लो, भोजन करा लो हमारे लिए, हलवा पूरी ये वो, दाल चावल तो बने बनाए थे उनके, और बढ़िया भोजन करा देसी घी। फिर बोले कुछ सुनाओ ब्रह्मचारी जी। तो हमने गीता का श्लोक सुनाया, उसकी व्याख्या करते करते हमारे आंखों में तो आंसू आने लगा, भगवान के प्रेम तड़प का। तो बड़े प्रभावित होते कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ विराजते। तो हमने कहा हमारे गुरु जी का साईं लीला शाह जी की कुटिया पे रहता हूँ, उनके दर्शन के लिए बाद। अच्छा, वो सिंधी महात्मा, उन्हें कंजर जो बूथरी से भिंडी थी,
चेहरे पे देखे तो शिकन पड़ गई। मैंने देखा कि तो हमारे स्वामी जिसको हमने एक बार मन से गुरु माना है उनके लिए तो इनके चेहरे पर शिकन लग गई। फिर मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, मुंह घुमा दिया। हम जिनके लिए श्रद्धा रखे उनके लिए जिनके हृदय में अथवा जिनके चेहरे पर शिकन है उनको फिर हम दोबारा क्यों देखेंगे? अगर हम उनके पास जाते या उनके संपर्क में रहते और हमारी श्रद्धा थोड़ी भी हिला देता तो हमको गुरु का पूरा प्रसाद तो नहीं मिलता? और कोई लल्लू पंजू भी हमारे से कोई बात करे और श्रद्धा तोड़े उसकी किसी की ताकत ही नहीं रहती थी। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, सभी धर्मों में श्रद्धा तो परम खूंटा है। तो जब मीराबाई को सताया जाता था मीराबाई को बोलते थे कि कहाँ तो तेरा सुंदर राजपाट राजरानी और कहाँ एक चमार को गुरु बनाया है, चप्पल सीता है रहीदास, जरा तो विचार कर कुल खानदान पर कलंक लगता है, ऐसा लोग बोलने लगे टोकने लगे। तो मीरा से सहा नहीं जाता था गुरु की निंदा। वो राजरानी थी बात सच्ची थी, वो चमार का धंधा करते थे बात सच्ची थी, लेकिन मीरा तो उनको गुरु मानती थी ना, तो उसके लिए तो गुरु तो ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु के अंतःकरण में तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा। रब सतगुरु बन के वेख लेने दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया, वो निर्गुण निराकार सतगुरु के द्वारा ही तो बरसते हैं। अगर मेरा सतगुरु के द्वारा रब मेरे सतगुरु में अगर रब नहीं बरसता तो क्या सतगुरु जी मेरे को रब का कैसे अनुभव करा सकते थे? तो रब ही परमात्मा ही सतगुरु बन, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लेने दे। पंजाब में गाते हैं लोग भजन, वेख लेने दे मत्था टेक लेने दे, सूखा बूटा सिंच दे सिंच दे, सींचे बूटे दे सार संभाल लें दे, वो माली बन के आया मुने वेख लेने दे सतगुरु मेरा, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लेने दे मत्था टेक लेने दे। तो भगवान शंकर के साथ सती का विवाह हुआ, फिर भी शंकर जी ने वामदेव गुरु से सती को दीक्षा दिलाई। माँ भद्रकाली प्रकट हो जाती थी रामकृष्ण के आगे और तोतापुरी गुरु से ज्ञान लेने को आदेश दिया। नामदेव महाराज के आगे विट्ठल प्रकट हो जाते थे, फिर भी संतों ने कहा तू कच्चा घड़ा है। विट्ठल भगवान के चरणों में गए तो विट्ठल भगवान बोलते संत ठीक बोलते, तो विट्ठल तुम ही पक्का घड़ा बनाओ। बोले मैं नहीं कर सकता, ये काम सतगुरु का है। शिवोबाखेजर के पास भेजा विट्ठल भगवान ने नामदेव को। सतत जप चलना बहुत ऊंची बात है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान इससे भी परम है। जप मन से होगा, इंद्रियों से होगा, वाणी से होगा, सत्य इनसे भी परे। जप तो अच्छा है, वैखरी से जप करें, फिर मध्यमा से करें, फिर पश्चंति से, फिर परा से हो जाए, बहुत ऊंची चीज है। लेकिन साक्षात्कार उससे नहीं होता, वो तो सतगुरु की कृपा सतगुरु का ज्ञान है। आखिरी मंजिल नहीं मिलती। मनुष्य जीवन का फल ये है कि आखिरी मंजिल पा ले। रुपया पैसा कितना भी पा लिया, शरीर कितना भी पा लिया, ये सब छूटने वाली चीज है। जो कभी ना छूटे वही मेरा रब आत्मा होके बैठा है।
मैं को उसको पाना कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं उस ब्रह्म आत्मा का ज्ञान नहीं पाया तो कुछ भी पाया तो क्या खाक पाया ऐशो 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 अली घोड़ायाओं से कर कर के मर जाएगा किसी को एक कोठी संभालनी है कोई दस कोठी संभाल के मरेगा कोई दस हजार संभाल के मरेगा तो कोई दस करोड़ दस अरब संभाल के मरेगा हजार करोड़ वालों को भी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि सुनते हैं तो लगता है कि हाय भगवान लाख लाख करोड़ के मालिक इतनी सारी बीमारियां की तौबा तो ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ता है तो ईश्वर का ज्ञान देने वाले सतगुरु का जितना भी उपकार माने उतना कम है संसार का ज्ञान हो जाएगा तो संसार तुच्छ लगेगा और ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा तो फिर ईश्वर को छोड़ नहीं सकेगा मन उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताही भजन तजी भावना आना जिसने राम के स्वभाव को जाना वो रोम रोम में जो रम रहे परमात्मा उनके स्वभाव को जिसने जाना वो फिर उसका भजन छोड़ के दूसरे भाव में टिक नहीं सकता अभी दूसरी चीज में आकर्षण है तो आपने भगवान का ज्ञान पाया नहीं भगवान का ज्ञान पाते तो आपको कोई टेंशन हो ही नहीं सकता कोई इच्छा हो नहीं सकती कोई दुख रुक नहीं सकता दुख दुखी की गलती से आता है और संसार से जो दुख मिटाता है उसका दुख मिटता ही नहीं दुखी संसार से दुख मिटाना चाहता है दुख मिटेगा नहीं बदलेगा दुख मिटेगा नहीं कौन से दुखी के दुख मिट गए बताओ ले आओ मेरे पास है क्या कोई धरती पे दुखी है और संसार के साधनों से उसके दुख मिट गए संभव ही नहीं है दुखी का दुख संसार के साधनों से मिट नहीं सकता दब सकता है बदल सकता है विस्मृति हो सकती दुख मिटता नहीं ऐसी बातें किताबों से अथवा अपनी मेहनत से नहीं मिलती है सतगुरु की कृपा से मिलती है बारह बारह साल तप करो तो भी ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा जो ईश्वर से हमारे को जोड़ दे इसीलिए योग वशिष्ठ में लिखा है कि आत्मज्ञान का सत्संग करने वाले संतों का बड़ा आदर करना चाहिए उनका बड़ा उपकार है हम उनके कर्जदार हैं ऋणी हैं अभी आप लोग मेरे लिए मत्था टेकते हो लेकिन मेरे गुरुजी मेरे को दिख जाए वो तुम बैठे हो तुम्हारे पीछे चप्पलों में तुम चप्पल उतार के आओ वहाँ से गुरुजी आते हुए दिखें तो मैं क्या करूँगा मैं दौड़कर वहीं पहुँच जाऊँगा चप्पलों का ढेर नहीं दिखेगा मुझे तो गुरु के चरण कमल सुखदाई दिखेंगे ऐसा मौका मुझे मिला भी था दिशा में हम सत्संग कर रहे थे छोटा सा गेट था आने का और देखा तो गुरुजी अचानक हम तो दौड़े अरे लोगों के चप्पल और जूते चमड़े के थे वो जमाने प्लास्टिक हम तो उसी पे लेट गए थे साईं ने कहा क्या करते मैं क्या मुझे तो ये दिख रहे गुरु के चरण उद्धारक गुरुजी के लिए कोई कुछ कहे उसकी बेवकूफ़ी जाने हमारे लिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरुदेव महेश्वर है तो भगवान कहते हैं शिव जी पार्वती को उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताई भजन तजी भावना आना
अपने परमेश्वर के स्वभाव को जान लो तो उसके रस के बिना आपका मन कहीं टिक नहीं सकता, और जगत का स्वभाव जानो तो उससे वैराग्य हुए बिना रहता नहीं। संसार का ज्ञान पालोगे तो उससे उपराम हो जाओगे, और भगवान का ज्ञान पालोगे तो उससे प्रीति हो जाएगी। बोले महाराज, भगवान का ज्ञान भी नहीं पाए, संसार का ज्ञान भी नहीं पाए, अपना ज्ञान पाए तो क्या होगा? चलो, तो अपना ज्ञान कैसा पाना चाहते? अपना असली ज्ञान पाना चाहते कि काल्पनिक? काल्पनिक ज्ञान तो है तो कि तुम ब्राह्मण हो, तुम अच्छे हो, तुम पूजा पाठ करते हो, तुम फलाना करते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये काल्पनिक ज्ञान है। और वास्तव में तुम्हारा अपना ज्ञान तुमने पाया तो लगेगा कि जिसका नाम भगवान था वही मेरे आत्मा है। अपना ज्ञान बोलो, परमात्मा का ज्ञान बोलो, एक ही चीज हो जाती। अपना आपा परमात्मा से अलग नहीं रह सकता। परमात्मा हमारे अपने आपे से अलग नहीं है। सेकंड का दसवां हिस्सा भी हम भगवान से दूर नहीं हो सकते, फिर भी भगवान नहीं मिले। सेकंड का दसवां हिस्सा आप भगवान से अलग नहीं हो सकते, और अभी तक भगवान का ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसकी प्रीति नहीं, उसमें विश्रांति नहीं, इसीलिए सब कुछ करते करते भी दुख ही दुख है। सब कुछ करने के बाद भी दुख ही दुख है। कभी जाए केदार, कभी जाए काशी, कभी जाए मक्के, बिना आत्मज्ञान के खा रहा है दर दर के धक्के। कभी बद्रीनाथ गए, कभी केदार गए, कभी मंदिर में गए, कभी फैक्ट्री में गए, कभी ललना के पास गए, कभी लवर के पास गए, कभी किधर गए, सुखी होने के लिए धक्के खा खा के थक के मर जाएंगे। दुख मिटेगा नहीं, सुख टिकेगा नहीं। सतगुरु जो भगवान तत्व का ज्ञान देते उसमें जरा थोड़ी यात्रा करे तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। ऐ बात, सुख मिटेगा नहीं, दुख टिकेगा नहीं, क्योंकि भगवत स्वभाव का ज्ञान हो गया ना। सारी दुनिया का ज्ञान पालो, सारी दुनिया का संपदा पालो, सारी दुनिया की मेहरबानियां पालो, फिर भी दुख नहीं मिटेगा, सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। लेकिन भगवान की मेहरबानी, भगवान का ज्ञान, भगवान की प्रीति पालो तो सुख मिटेगा नहीं, दुख टिकेगा नहीं। जरा ये कर लूँ, जरा ये सर्विस कर लूँ, जरा डॉलर कमा लूँ, जरा ये कर लूँ, ये अपने को धोखा देना है बेटे। आर्त भाव से, कातर भाव से भगवान को बोलो कि महाराज आपकी प्रीति दे दो, महाराज आपका ज्ञान दे दो, महाराज आप में हम डूब जाए ऐसी कृपा करो। बस पढ़ो भगवान के पीछे। डॉलर फॉलर क्या होता है, राज्य क्या होता है, दुनिया की साधन सामग्री क्या होती है, ये फल साधन ते ना हो, कोई साधना करके कुछ बन जाऊं, कुछ ऐसा कर लूं, नहीं मिलेगा। पैसे रुपए पैसों से दुख नहीं मिटेगा, करके देख लो। डिग्रियां लेने से दुख नहीं मिटेगा, संसार के साधन से दुख नहीं मिटेगा। दुखी का दुख अपनी भूल है, और अपनी भूल है कि वो संसार से है, दुख मिटाना चाहता है।
पति मेरा दुख मिटा दे, पत्नी मेरा दुख मिटा दे, दोस्त मेरा दुख मिटा दे, बेईमानी मेरा दुख मिटा दे। हाँ, दुख दबा देंगे, दुख की विस्मृति करा देंगे, अनजाने में दुख गहरा कर देंगे, दुख मिटा नहीं सकते। दुख मिटता है निर्दुख नारायण के ज्ञान से, निर्दुख नारायण की प्रीति से, निर्दुख नारायण की पुकार से, निर्दुख नारायण के प्रेम से, निर्दुख नारायण के साथ जिनका एकता हुई ऐसे महापुरुषों की कृपा से दुख मिटेगा। मेरे पास दुख नहीं रहता। लो, कई लोग क्या क्या दुख बना के ले आते हैं, इधर आते ही वो फू हो जाता। तुम्हारा तो एक दुकान, एक फैक्ट्री, मेरे लिए तो क्या क्या बनाते लोग, कितना टिकता ही नहीं। आपको लगता है मैं दुखी हूं? हाँ, अलाय छा छा पे मान उठाएं, छा छा पे कन, क्या क्या धोखे होते, क्या क्या होता है। लगता है कि साई दुखी है? लगता है मैं बूढ़ा हूं? तुम्हारा बाप बूढ़ा, तुम्हारी नानी बुढ़ी, ये शरीर 100 साल का भी हो जाए, उठने फिरने में समझो लाचार भी हो जाए, फिर भी हम बूढ़े नहीं होते। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप, ये गुरु का ज्ञान हमारे साथ है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। मैं गुरु के द्वार गया तो नए नए थे हम, और सब पुराने थे। जूनियर तो जूनियर होता है, और उसमें भी गुरु जी का थोड़ा हमारे पर जरा नजर रहती, तो सारे जो खास थे गुरु जी के, उन्होंने देखा कि ये छक्का मार लेगा, तो सब हमारे पीछे पड़े हमको भगाने के लिए। घर में ऐसा है ऐसा है, घर में जाके भजन करो, साई उधर आए उधर सत्संग सुन लेना करना। हम इतने साल से इसकी, इतने साल से इसको क्या मिला, उसको क्या मिला। हमने जो जैसा बकता हो बखो, हमारा तो गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। प्रीत करी जैस, सिंधी में भजन है, प्रीत करण का रांद न समझ, पैरी पैंजे मन खे मार, के तो खेरो कींदा, के तो खेटो कींदा, हर गिला जा पाएगी चिय में, मस्तानो तुखे के चवंदा, सुन मगैना तदही ठवन था, पैरी तैखे बाहे में जलाए। हरिओम हरिओम। ये ताली बजाने की क्या गंदी आते थे, जरा सी बात बस ये क्या ठका ठकी, ये बहुत ओछी मानसिकता है, बस धड़ा धड़ धड़ा। जो कम अक्कल के होते हो ज्यादा ठोक ठोका करते तालियां की, देखा भाई, ये कम अक्कल वाले की पहचान। प्रीत कई जिया मीरा बाई, जहर जो प्यालो पीताई, प्रीत कई जिया हनुमान राम सा, शाती पहंजी चीर्याई, ओ रग रग में हुस राम जो नालो, हेड़े प्यार जी जोत जगाई। बोले मीरा ने प्रीति की रहीदास के लिए, इतना अफवाह इतनी गंदी आदत, फिर भी रहीदास उसके लिए भगवान थे। मीरा को जहर दिया गया, फिर भी प्रीति में वो जहर को अमृत बना दिया उसने। हनुमान जी ने छाती चीर के दिखा दिया प्रीति में, ऐसा है। कोई हमारे को कुछ सुना दे और हमारी श्रद्धा और प्रीति टूट जाए तो थिक थी बना बुढ़ी मर नालत थी, मनुष्य कहलाने के लायक वो नहीं। जो भगवान से गुरु से श्रद्धा टूट जाती है तो मनुष्यता कहाँ रही फिर। मनुष्य वह जो संबंध जोड़ सके,
जो संबंध तोड़ दिया तो मनुष्य कहाँ रहा, वो तो पशु हो गया। पशु को जो जिधर धकेले उधर चल जाए। मीरा की श्रद्धा कहाँ टूटी, न रैदास से टूटी न भगवान से टूटी, मीरा ने पा लिया। और बाकी तो कई मीरा बाई हमने देखी, नाम ने जो इसका मीरा बाई, और गाय तो डाटो नक खां आवाज कढ़ी गाय, तकदीर न कैसान दो हूं करे सलके गुरु न खां थे न परे, आड़ बैठी जो माई ढक जी। ऐसी तो कई मीरा मैंने देखी। मीरा का भजन गाए और मीरा की नाई कपड़ा भी पहरे, मीरा की नाई आंसू भी बहाए, लेकिन मीरा की श्रद्धा के आगे तेरी श्रद्धा क्या होती है, मीरा की प्रभु प्रीति और ज्ञान के आगे तेरा ज्ञान क्या होता है। ये नक खा आवाज कटेगा, नंग नीर नक इंसान डोह करे चल के गुरु न खां थे न परे, मुश्किल आहे धार थियण जण पल पल आए जहर पियण, निंड न अचण पोए भी जियण ही दर्द जो दाहूं केर बुधे, अला तकदीर न कैसा डोह करे। ऐसे ऐसे भजन गाए हमने, सुने उन मीराओं के भजन, लेकिन असली मीरा तो असली थी भाई। ये तो रटा रटा किसी का भजन दुरा रही है, नाक से आवाज निकाल रही है, आंखों से आंसू निकाल रही है, और घड़ी देर के बाद कोई कैसी चाबी घुमाए तो चल पड़ी उसी के चक्कर में। ये तो नकली मीरा है, असली मीरा तो मेवाड़ किया, असली शबरी तो वह मतंग ऋषि की। इससे बात है कि भगवान के रास्ते चल पड़े तो फिर क्या, फिर संसार के गहने गांठे विकार ये तो तुच्छ हो जाता है, संसार की पोल खुल जाती। इश्क करना जान बचाना ये भी कोई हो सकता है, प्रभु से प्रेम करना और अपना अहम बचाना और अपना सुंदरता और ये और वेशभूषा, अरे छोड़। अमल मन माता फिरे, तो संसार का ज्ञान होने से उसका वैराग होगा और भगवान का ज्ञान होने से उसकी प्रीति होगी। अभी शरीर का ज्ञान पालो जरा सा, क्या है, दो हड्डियां हैं, आड़े हड्डियां हैं, नाक सुंदर दिखता है ऊपर करके देख ले, चेहरा मुस्कुराता है जरा, दांतों के नजदीक मुंह के नजदीक सूंघ के देख ले, मन से जरा चमड़ा हटा के देख ले लेडे का या लेडी का, तो अंदर क्या भरा है, बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दखी, बाहर सुंदर सुंदरे लग रहे हैं, चमड़ा हटा कर देख लो अंदर क्या खदबदा रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, कहीं खाना बनकर उल्टी जैसा हो गया है, कहीं वो हो रहा है, कहीं विस्तार प्रोसेस हो रही है, कहीं मूत्र प्रोसेस हो रहा है, कहीं थूक प्रोसेस हो रही है, कहीं लाड़ प्रोसेस हो रही है, कहीं लीट प्रोसेस हो रही है। जो प्यारे शरीर लगते रखा गया देख ले। संसार का ज्ञान होने से कितना भी पति वफादार है फिर भी कोई ना कोई बात पत्नी से छुपा के रखेगा, बेईमान है, बेईमानी करेगा। पत्नी कितनी भी वफादार है फिर भी पति से कुछ न कुछ कपट करके ही रखेगी, तो कपट से तो भरा है, ये तो कचरा दिखेगा, लेकिन दूसरा अंतःकरण में जो कपट भरा है वो दिखेगा भी नहीं, इतना सारा भरा है। भले कितने भी एक दूसरे के ईमानदार वफादार बस सच्ची सच्ची शीतला और सच्चा शीतला हो पति पत्नी, एक दूसरे के आगे दिल खोल के रखें फिर भी कुछ न कुछ कपट करते होंगे, ऐसा संसार भरा है। ये संसार है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, ये संसार झाड़ी और झंखड़
कांटे और कंकड़ उलझ उलझ मर जाना है। कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु एक ठिकाना है, ये संसार उलझ कर जाना है। कितना भी अफागसी करो आखिर छा मिलन दो। आज तक क्या दे दिया संसार ने कि आज के बाद दे देगा? इतना इतना करा था, आज तक क्या दे दिया, आज के बाद क्या दे देगा? कितने जन्मों में संसार ने क्या दे दिया, रब्बी के बाद क्या दे देगा? ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में धोखा, रोना ही पड़ेगा। ये कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। करो 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 करो, मरो। तो क्या करें, कुछ ना करें, आलसी हो जाएं। आलसी तो मत बनो और कर करके भी फंसो मत। जैसे किया जाता है कर करके जो नष्ट हो जाता, फिर भी जो नाश नहीं होता वो कौन है? वो कौन है जो हमारा परम हितेशी है? वो कौन है जो पूर्ण सुख रूप है? वो कौन है जो पूर्ण ज्ञान रूप है? वो कौन है जो पूर्ण आनंद रूप है? और जो वो कौन है जिसको पाने के बाद पूर्ण दुख मिट जाते और पूर्ण सुख मिल जाता? खाली दुख मिटाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है? दुख तो माया ही, क्लोरोफॉर्म से भी दब जाएगा। दुख तो नींद में मिट जाता है, लेकिन नींद सदा चाहता है क्या कोई? भाई प्यो हो जा, कोई कंजर चाहिए तो मैं प्यो हो जा? नहीं। तो दुख मिटाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। सुख पाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। परमानंद पाना, जो भगवान ब्रह्मा जी को अनुभव है, जो भगवान विष्णु का अनुभव है, जो भगवान शिव जी का अनुभव है, जो भगवान दत्तात्रेय का अनुभव है, जो भगवान लीलाशाह बापू का अनुभव है, वही हमारा अनुभव हो, ये हम चाहते हैं। है बात है, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जान। समाधि भी आखिरी नहीं है। समाधि में रहे तो दुख मिट गया, सुख आया, फिर उठे तो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अविकम्प योग, ध्यान समाधि करो और दुखारी में बैठो, आनंद का अनुभव करो, फिर जब उठो तब भी खुली आंख सहज समाधि हो जाए। साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुली आंख में हस हस पेखू सुंदर रूप निहारू। देखे माई भाई मकान दुकान, लेकिन उसकी गहराई में चम चम चमकता मेरा प्रभु ही दिखे। एक बार ज्ञान हो जाए, रस्सी में सांप दिखा तो डर लग रहा था, फिर बोल देखा कि लकड़ी है, संशय हो रहा था, सोचा कि पानी की लकीर है, फिर भी कुछ हो रहा था, सोचा कि लकड़ा है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन नजीक जाके देखा उठा के तो रस्सी है, फिर फेंक दिया तो वैसी दिखी। अब वो रस्सी, पानी का रेला, जमीन की दरार, ये सब जैसी दिखेगी, फिर भी असलियत का ज्ञान है कि असली क्या है। ऐसे एक बार गुरु की कृपा हो गई, अपने ब्रह्म स्वभाव का ज्ञान हो गया, तो सारा जगत को देखते रहेगा ज्ञानी। फिर भी उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते लेते देते खाते पीते, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ऐसा ब्रह्मज्ञान पाना है तो भाई गुरु कृपा ही केवलम,
अगर हम गुरु कृपा का आदर नहीं करते तो हमारी क्या दशा होती। तपस्या कर करके तो हमारे शरीर में ध्यान भजन करके तो हमको बवासीर हो गया था, खून निकलता था शरीर। अनुष्ठान कर करके तो रात देर हो जाती और जानवर हमारे पैरों को फूंक मार मार के पैरों को खा जाते। फिर सुबह चलते थे तो साधु बोलते क्या हुआ, मैं पता नहीं, बोले छछुंदर खा जाता है। जंगल में पड़े हो वहाँ उस जगह में छछुंदर वो खा जाता है तुम्हारे पैर की चमड़ी। मैंने कहा खा जाए तो खा जाए, रब मिले बस। ऐसी तड़प हुई फिर भी नहीं मिले। हाँ गुरु कृपा हुई तो देरी नहीं लगी। तड़प वाले को गुरु कृपा मिलती है, भूख हो तभी खाना हजम होता है। बिना भूख के भोजन दो तो क्या हजम होगा। इसीलिए सेवा सुमरण ये सब भगवान की प्राप्ति की भूख जगाने का साधन है। दान पुण्य सेवा सुमरण ये सब भगवान की प्राप्ति की भूख जगाने के लिए, पुकार प्रार्थना सब भगवत प्राप्ति की भूख जग जाए बस, फिर तो भगवान स्वयं ही परोस देते। स्वयं परोस देते तो हलवा पूड़ी परोसते नहीं, स्वयं परोस देते स्वयं को। ऐसे बादशाहों के बादशाह है, हलवाई तो तुमको वैरायटियां परोसेगा और खुद आके पत्तल पे बैठ जा तो मुसीबत कर लेगा। हलवाई खुद को परोसे पत्तल पर तो तौबा कर देगा, लेकिन भगवान तो हमारी भूख देख के अपने आप को ही परोस देते हैं। हम न तुम दफ्तर गुम, तू नहीं मैं नहीं, आए है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। फिर ज्ञानी किसी के लिए हृदय में वैर नहीं रखता, किसी से भयभीत नहीं होता। व्यवहार में भले राम जी सोते हैं और लक्ष्मण धनुष लेके चक्कर मारते व्यवहार काल में, लेकिन तत्व रूप से भय नहीं होता। ऐसे तो श्री कृष्ण जाते तो युधिष्ठर की सेना जाती कृष्ण को छुड़ाने के लिए, फिर भी श्री कृष्ण भीतर से निर्भीक। भाई निर्भीक थे तो जरासंध के साथ युद्ध करने में कृष्ण जी रण छोड़कर भागे क्यों, वो कथा बताऊंगा कल परसों, लाइव टेलीकास्ट होगा, सारी दुनिया देखेगी कृष्ण क्यों भागे, युद्ध क्यों किया और युद्ध में भागने का इरादा क्यों बनाया, हनुमान जी ने त्राही माम क्यों पुकारा। ये सब कल परसों उधर होगा ना पंचदीप में सत्संग हरिद्वार। अभी भी हरिद्वार में बैठे हो, वहां तेरा ज्ञान तू ही देते मेरे रब, प्रभु तेरी प्रीति तू ही दे दे, तेरा ज्ञान तू ही दे दे, तेरे में विश्रांति तू ही दे दे मेरे आप का, मेरे अल्लाह मेरे ओलिया, तेरी प्रीति तू ही दे दे, तेरा ज्ञान तू ही दे दे, तुझ में विश्रांति तू ही दे दे, दुख हरी दाता। अपने को कुछ करना नहीं, वो ही दे दे बस। हाँ उसी से चाहो ईमानदारी से तो वो दे देगा। अभी तो सुनी सुनाई बात है, रुचि तो होती है कुछ और हो रहा है कुछ। मैंने सुनी कहानी, पहले के जमाने में बाल विवाह होते थे, बाल विवाह तो बच्चे बच्चियां छोटे होते थे, माँ बाप उनको गोद में बिठा के भी मंगलम मंगल, क्योंकि यवन लोग बच्चियों को उठा के ले जाते तो दोनों परिवार बच्ची की रक्षा के लिए हो जाए, इसलिए बाल विवाह करते थे। छोकरी के दो परिवार रक्षक हो जाए, माँ बाप के परिवार में खतरा है तो ससुराल में रहे, ससुराल में खतरा है तो मायके में रहे, कन्या का रक्षक दो परिवार बन जाए, इसलिए बाल विवाह होता था। ऐसा नहीं कि काम ही होते थे इसलिए बाल विवाह करते थे, ऐसा नहीं। मेरे भाई की शादी हुई, वर्षों तक मेरे भाई की पत्नी को पता नहीं था कि पति पत्नी का व्यवहार क्या होता है, और भाई को भी पता नहीं था। 15 साल की 16 साल की उम्र में हुई, 1947 में पार्टीशन,
वो कबड्डी कबड्डी खेलते थे, हतु तु तु खेलते थे। उसने मारा झटका तो भाभी ने बोला मुआ इतना कदर नहीं करता, पराई जाई को ठोक दिया, 11 का दिन है तेरे को पाप लगेगा। मेरी भाभी ने पराई जाई कन्या को इतना जोर से मारा, मुआ तेरे को क्या। हम भी खेलते थे साथ में, भाई भाभी और बच्चे मिलकर हम कबड्डी कबड्डी हतु तु 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 खेलते थे। तो भाई तो हमारे से बड़े थे, जरा जवान थे 16 साल के, तो वो दौड़ दौड़ में उसको मार दिया झापट जोर से, ये अल्लाह मुआ मेरी भाभी। अरे मुआ कद दया के खेलने में इतना जोर से मारता है पराई जाए को, किसी कन्या को ऐसा मारना, आज एकादशी का दिन है तेरे को पाप लगेगा। मैंने अपने कानों से सुना। ऐसी निर्दोषता भी थी, निर्दोषता थी। आजकल तो 10-11 साल के 12 साल के काला मुंह करके बैठे। तो बाल विवाह था, होता था उस समय, कन्या की रक्षा दो पक्ष करे। तो एक मुखिया था, उसके लड़के की शादी थी, तो अपना बरात बरात लेके गया, बेटे को लेके गया मुखिया, अपने बेटे को दुल्हा को बना था के ले गया। अब ब्राह्मण ने विधि विधान विधि विधि करी, वो लड़की कन्या बिठाया, अभी पल्लव पल्ली बांधना ही है, ओ मंगलम भगवान ये करा। तो वर राजा को तिलक हो गया, कन्या को भी हो गया। वो कन्या बेचारी छोटी सी दुल्हन, उसकी माँ उसको गोद में बैठा के लाडी को, बेटी ऐसा कर बेटी ऐसा, लाडे को उसका बाप बिठा में, वो भी रंग होता। इतने में ब्राह्मण ने कहा पल्लव पली बांधते हैं, सावधान वर कन्या। तो बाहर वो डुगडुगी बजी, बंदर नचाने वाला आता था, वो बंदर बंदरिया नचाने वाला आया, डुगडुगी बजी। तो दूल्हा उठ के भागा, अरे बेटा ठहर ठहर, फेरा फिरना है, ठहर ठहर। बोलता पिताजी तुम फेर लेना, मैं तो बंदरियां देखने जाता हूँ। अरे बलू फेरा फिरना पुट, फेरा फिरना ने बलू अल्या, अरे बाबा तू ही फिर चल माधो जा बोल सर। वो बेचारी न्याणी बैठी है, और फेरा फिरना ने कि वो तू फिर चल माधो जा बोल सर। बापा तमें फेरा फरी ले जाऊं, माकड़ा जोवा जाऊं। बाबा तही फेरा फेरी छो माओ बोलड़ी ऋषण धोने लक्कन तई चढ़ाय। तो रुचि विवाह की विधि हो रही है, हा? और सुना भी है कि मैं दुल्हा बन रहा हूं, मेरी शादी हो रही है, शादी करने की जगह पे भी बैठा है, लेकिन अंदर रुचि बंदरियां देखने की। ऐसे ही शाद आबाद होने के लिए, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए जन्म हो रहा है, लेकिन इस संसार की बंदरियां देखने, डुगडुगी बजी तब बगो। जरा सा संसार का आकर्षण हुआ तो भागा। मारे माकड़ा जो आ जाओ मुझे, एवं छे के बीजू छे। अभी तो सब भगत होके बैठेंगे, हाँ साइन सच बोलते, वाह भाई वाह, सत्संग तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तो ठोक देंगे तालियां, बहुत बढ़िया, बड़ा पुण्य हुआ, बड़ा ज्ञान बढ़ा, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं सत्संग। हाँ एक तो तीर्थ, फिर साईं का सत्संग दर्शन पुनः, वाह वाह। लेकिन बाहर जाते ही वो डुगडुगे में बापू बोलते रहे। डुगडुगी खाली बजे फिर देख लो। वो जमाने का तो डुगडुगी बंदरियों वाले की थी, अभी तो मोबाइल है, तुम बाहर जाओगे मोबाइल बजेगा, चालू है बस हो गए, डुगडुगी अब जेब में रहती है। ब्राह्मण बोलता सावधान, वहां बजी डुगडुगी।
બેટા લે હવે છેડા બાંધવા જા લાડીનો છેડો લે લાડા કે બાપ રે વદ રે વદ કે ફેરા ફરવાના છે કે તમે ફરી લેજો માર તો વાંદરીઓ જોવા જવાનું માર તો માકડા જોવા જવાનું છે મેલ માલ્યા તો ફેરા ફરવાનો વારો હોય ને તું માકડા જોવા હે એસે જન્મ જન્મ કે ફેરે મિટાને કા મોકા આયા યે ઇન્દ્રિયો કે બંદરિયા દેખને જા રહા હે હે નાક તું સુખ દે હે આંખ તું સુખ દે હે જીભ તું સુખ દે હે મૂત્રેન્દ્રિય તું સુખ દે યહી તો કર રહે ઓર ક્યા કર રહે ये गंदे अंगों से जुड़ के सुख के भीख मांग रहे हैं और क्या कर रहे हे लींट बरसाने वाले नाक तू सुख दे परफ्यूम से हे थूक से भरी हुई जीव तू सुख दिया कर हे मूत्र इंद्रियां तू सुख दे यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं बड़े साहब तिशमार खान होके बैठे अपनी अपनी जगह पर मलिन अंगों के साथ तादात्म्य किए बिना संसार का सुख प्रतीत नहीं होता और परमेश्वर के साथ तादात्म्य किए बिना वास्तविक सुख का पता नहीं चलता जब तक वास्तविक सुख का पता नहीं चलता तब तक दुख मिटता ही नहीं नकली सुख चाहो तो दुख आएगा ही जितना नकली सुख में प्रीति होगी सच्चाई होगी उतना ही दुख ज्यादा रहेगा पक्की बात इस संसार का नकली सुख है सूंघना भोजन करो स्वास्थ्य के लिए लेकिन मजा लेने के लिए तो गया फिर संतान को जन्म दे लो लेकिन वो मजा लेने के लिए गया तो गया ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय रोग और जिम्मेदारियां ना हो बेटी हुई है बेटा हुआ ये करना है वो करना है प्रसूति करनी है मेरे गुरुजी विनोद में कहते कि एक लड़की का विवाह हो गया फिर वो ससुराल में 5-7 महीना हो गया गर्भवती हो गई तो मायके ले आए क्योंकि मायके में दाई और प्रसूति की व्यवस्था अच्छी थी तो 8वां 9वां महीना हुआ तो लाडी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरी सासू बोलती कि तेरे को बच्चा होएगा माँ मेरे को बच्चा होएगा बोले हाँ तभी तो तेरे को लाए हैं यहाँ मायके में ही तेरी डिलीवरी कराएंगे तो भोली लड़की बोलती है माँ मेरे को जब बच्चा होने तो मैं अगर सोई हूँ तो तुम मेरे को जगाना तो मैं देखूँ कैसे बच्चा होता है तो उसकी माँ हंस पड़ी मुँह पकड़ के अरे माँ क्यों हंसती अरे मैं तुझे क्या जगाऊंगी तू मेरे को और अड़ोस पड़ोस को अल्लाह रे आए आए जो पीड़ा होगी तो तू हमको हर दाई को और सबको तू जगाएगी हम तेरे को क्या जगाएंगे बोले नहीं नहीं मेरी सासू ने बोला है तेरे को बचाऊंगा तो मेरे को होए तुम जगाना अरे हम क्या जगाएं बेटी तू सबको जगाएगी हस्ती धारे गर्भ को तजत रोदंती सो हस्ते हस्ते ते ही करते गर्भ धारण कर दिया और जब प्रसूति होती तो पीड़ा कैसी होती वो तो बिचारी माताएं जानती ऐसे संसार का थोड़ा सा सुख लो बदले में पीड़ा ही पीड़ा है ऐसा कोई संसार का सुख नहीं जो फिर दुख ना दे दुख दुखी की भूल से होता है और संसार से दुख मिटता नहीं दुख दबता है दुख की विस्मृति होती है सुख की आशा से दुख बुलावे में पड़ते हैं दुख मिटता नहीं दुख मिटता है दुख हरी के प्रसाद से दुख हरी के ज्ञान से दुख हरी की प्रीति से फिर दुख आता ही नहीं और सुख मिटता ही नहीं क्या ऐसा जीवन नहीं चाहिए दुख आए नहीं सुख मिटे नहीं अभी कितना भी तुम अपने बाल बाल का बीमा उतरवा लो विवेक रामतीर्थ बोलते थे हे मूर्ख धनवान तुम अपने नाखून तक का बाल बाल का बीमा करा लो एक बाल गिर जाए तो तुम्हें $10,000 मिले $1,000,000 मिले फिर भी तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा
जब तक निर्दुख नारायण की शरण नहीं जाते। कमजोर मन के लोग बीमा 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 पॉलिसी ले रहे हैं। बापूजी आपने भी लिया होगा, हम इतने बेवकूफ नहीं कि बीमा पॉलिसी ले। हम तो अपने गाड़ियों का भी बीमा नहीं कराते। हमारी जो भी गाड़ियां हैं आश्रम की, बहुत कानूनी ढंग से जितना कराना पड़े थोड़ा सा कराते। हमारा बिगड़ जाए तो हमको ना मिले, किसी का बिगड़ जाए तो उसको मिले, थर्ड पार्टी बीमा कराते। हमको बहुत फायदा हुआ, नहीं तो अभी तक कितने लाख बीमा में ही चले जाते। हम नहीं कराते, हमारा बिगड़े तो कोई हरकत नहीं, किसी का बिगड़े तो उसको मिल जाए, ऐसा थर्ड पार्टी बीमा, वो तो कराना ही पड़ता है। डरपोक आदमी बीमा पॉलिसियां लेंगे फलाना सिक्योर करेंगे, फलाना सिक्योर। अरे सुरक्षा परमात्मा में है मूर्ख, बीमा में सुरक्षा हो गई, फलाने में सुरक्षा हो गई, ये सब सच्ची सुरक्षा ईश्वर आश्रित हो जा। ईश्वर आश्रित, बीमा आश्रित मत हो जा। पति आश्रित, पत्नी आश्रित, बेईमानी आश्रित, पॉलिसी आश्रित नहीं, ईश्वर के आश्रित हो जा। फिर देख तमाशा। संसार के ज्ञान से संसार से वैराग्य होगा और ईश्वर के ज्ञान से ईश्वर में प्रीति होगी। तो अभ्यास और वैराग्य, भगवान कहते हैं गीता में, अभ्यास न तू कौन्ते न वैराग्य न चग्रियते। तो ईश्वर की प्रीति के लिए अभ्यास कर और संसार की नश्वरता समझ के वैराग्य कर, काम बन जाएगा। संसार से ये मिला आखिर क्या है, देख ले धोखा है, कितना भी कुछ आखिर क्या, ये हो गया वो हो गया, फिर क्या संसार क्या देगा। ऐसा करके विवेक जगाओ, विवेक से वैराग्य जगाओ तो जल्दी कल्याण होगा। संसार से वैराग्य और भगवान सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, परम हितेशी हैं, सुख रूप हैं। मित्र कितना भी निकटवर्ती हो छूट जाएगा, लेकिन ये परम मित्र कभी नहीं छूटेगा। शत्रु भी गया मित्र भी गया, लेकिन सदा जो रहेगा वो मेरा रब है। ऐसा करके उससे प्रीति करो। पति भी गया पत्नियां भी गई, लेकिन कभी न जाए वो कौन है, वो मेरा रब। रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लेन दे। रब मेरा सतगुरु, ताली मत ठोको, मेनू वेख लेन दे, मत्था टेक लेन दे, मेनू वेख लेन दे, मत्था टेक लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू लेन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लेन दे। बूटे बूटे पानी पावे, बूटे बूटे पानी पावे, सूखे बूटे हरे बनावे, सूखे बूटे हरे हो जावे। न्यू माली बन के आया मेनू वेख लेन दे, वो तो माली बन के आया मेनू वेख लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लेन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लेन दे, मेनू वेख लेन दे, मत्था टेक लेन दे, मेनू वेख लेन दे, मत्था टेक लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मत्था टेक लेन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मत्था टेक लेन दे। जिथे भी ओ चरण छुआवे, जिथे भी ओ चरण छुआवे, पत्थर भी ओथे तर जावे, पत्थर भी ओथे तर जावे, ओ आया
तारण हारा मेनू वेख लैण दे, वो आया तारण हारा मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मत्था टेक लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मत्था टेक लैण दे, गुरा दी महिमा गाई न जावे, गुरा दी महिमा गाई न जावे, तिरलोकी ऐथे झुक जाए, तिरलोकी ऐथे झुक जाए, ऐ रब दा पूरण रूप मेनू वेख लैण दे, रब दा प्रेम स्वरूप मेनू वेख लैण दे, सतगुरु बन के आया मनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे, गुरा दी सूरत रब दी सूरत, गुरा दी सूरत रब दी सूरत, कर दे मुरादे सब दी पूरण, कर दे मुरादे सब दी, ऐ ब्रह्म दा रस स्वरूप मेनू वेख लैण दे, ओ ब्रह्म दा रस स्वरूप मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मत्था टेक लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लैण दे, गुरा दी चरणी तीरथ सारे, गुरा दी चरणी तीरथ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, आया पार उतारण मेनू वेख लैण दे, ओ आया पार उतारण मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मत्था टेक लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लैण दे, ब्रह्म ज्ञान दी मैं पिलावे, ब्रह्म ज्ञान दी मैं पिलावे, जो पी जावे ओ तर जावे, जो पी जावे ओ तर जावे, नाम दा अमृत पी के मेनू वेख लैण दे, दे नाम दा अमृत पी के मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लैण दे, जन्म मरण दे चक्कर कट दे, जन्म मरण दे चक्कर कट दे, जेड़े एस दे दर ते झुक दे, जेड़े ते दर ते झुक दे, ऐ ब्रह्म दा पूरण रूप मेनू वेख लैण दे, ब्रह्म दा पूरण रूप मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लैण दे, नाम दियस ने प्याऊ लगाई, नाम दियस ने प्याऊ लगाई, हरि ओम नाल दुनिया झुमाई, 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 ऐ नाम दा अमृत पी के मेनू वेख लैण दे, ऐ नाम दा अमृत पी के मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मेनू वेख लैण दे, लीला शाह जी दा परम प्यारा, लीला शाह जी दा परम प्यारा, थाओ मल जी दी अखियां दा तारा, थाओ मल जी दी अखियां दा तारा, महंगी बाजी दा लाल मेनू वेख लैण दे, महंगी बाजी दा लाल मेनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के
आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे गुरा दी चरणी तीरथ सारे गुरा दी चरणी तीरथ सारे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे आया पार उतारण मैनू वेख लैण दे ओ आया पार उतारण मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख शांति।